नव भारतीय परिवार में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा पाठ्य वस्तु यानी कि विषय वस्तु का चयन जो हम करते हैं। मैं आपको जो ज्ञान के बारे में बता रही थी, मैंने आपको बताया था कि कुछ टॉपिक हमारे प्रथम यूनिट में से, आपकी जो पहले यूनिट थी उसमें से कुछ टॉपिक छूट गए थे, उनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तो मैंने जो ज्ञान के बारे में बताया, ज्ञान मीन्स हम कहते हैं कि हम जो हम उद्देश्य लेके चलते हैं उसके लिए जो हमारा विषय होता है वही हमारा ज्ञान होता है। यहाँ पर उसी चीज़ के लिए मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जब हम किसी विषय वस्तु का चयन करते हैं, किसी पाठ्य वस्तु का या विषय वस्तु का, या हम कहें विषय वस्तु हमारा उद्देश्य होता है, हम उन उद्देश्यों को जब हम लेते हैं तो हम उन उद्देश्यों को क्यों पूरा करते हैं, किस तरह से पूरा करते हैं, ये हमारी जो हमारी विषय वस्तु का चयन है उसके अंदर हमारे ये सभी चीज़ें आती हैं। कहते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया का यह सबसे अहम और अभिन्न अंग होता है जो हम पाठ्य वस्तु का चयन करते हैं। यानी कि पूरा कार्य जो हम करते हैं वो हमारा हमारी विषय वस्तु के ऊपर आधारित होते हैं। कहते हैं जो हम हमारे उद्देश्य लेकर चलते हैं, उन उद्देश्य जो उद्देश्य हमारे निर्धारित होते हैं, हम कहते हैं कि जब हम किसी भी आयु के वर्ग के बालक अपने विशेष प्रकार की दक्षताओं का क्रम निर्धारित करते हैं, तो निर्धारित करने के लिए सबसे पहले अपने उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। और उद्देश्य हम क्या कहेंगे, वो उद्देश्य जो हम निर्धारित कर रहे हैं, जिनको क्रमबद्ध कर रहे हैं, वो हमारा विषय वस्तु होता है। अर्थात जिसका हम चयन करते हैं कि हमारा क्या टॉपिक है, हमारा क्या उद्देश्य है, हम उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि अगर हमारे उद्देश्यों में कहीं अभाव रहता है या उद्देश्य में कहीं ना कहीं हमारी इस विषय वस्तु में हमारे जब कहीं ना कहीं कमी रह जाती है तो हमारे उन उद्देश्यों की पूर्ति में भी अभाव नजर आता है। अर्थात अभाव का मीन्स कहीं ना कहीं उसमें जो गलतियाँ होती हैं, उन गलती के कारण हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। जिस चीज़ को हम प्राप्त करना चाहते हैं वो हमें प्राप्त नहीं होता। तो कहते हैं कि पाठ्य वस्तु की अवधारणा के लिए जो हमारे विभिन्न विद्वान हुए हैं, उन विद्वानों ने भी इनके लिए एक अलग अलग अपनी राय कही, तो उन्हें अलग अलग तौर पर परिभाषित किया है। जैसे मैं कहूँ, आर के शर्मा जी ने कहा है, श्रीमती आर के शर्मा जी ने कहा कि पाठ्य वस्तु का आशय शिक्षा क्रम के उस अंग से है जो निर्धारित, यानी कि जो हम निर्धारित करते हैं हमारे उद्देश्य, जो निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता करते हैं। कहते हैं कि जो हमारे विषय वस्तु होती है वो विषय वस्तु हमारे ऐसे होने चाहिए या विषय वस्तु ऐसे होते हैं जो हमारे उद्देश्य की हमें प्राप्ति करवाते हैं। पाठ्य वस्तु का आशय शिक्षा क्रम के उस अंग से है, क्योंकि कहते हैं ना कि उद्देश्य हमारे क्रमबद्ध करते हैं कि हमें किस तरीके से हमें कार्य करना है। अर्थात कहें तो हमारी जो इनकी परिभाषा है उसके द्वारा हम कह सकते हैं कि हमारी जो क्रियाएं होती हैं, जो विभिन्न हमारे क्रियाकलाप होते हैं हमारे, उन क्रियाकलापों को किस तरीके से संचालित करना होता है, जो हमारी क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं को हमें किस तरह से पूरा करना है, ये हमारे इस उद्देश्य में, इस पाठ्य वस्तु के पाठ्य वस्तु में आते हैं जो हमें हमारे उद्देश्यों की पूर्ति करवाते हैं। कि किस तरीके से हम क्रियाकलापों द्वारा उसे संपन्न करते हैं, ये जो हमारा उद्देश्य प्राप्ति में हमारे क्रियाकलापों को संपादित करने का जो कार्य होता है वो सर्वप्रथम हमारे विषय वस्तु के नियोजन पर होता है। कि हमें इस तरीके से नियोजित करनी होती है विषय वस्तु कि हमारे संपूर्ण उद्देश्य की प्राप्ति हो, और जो हम हमारा उद्देश्य लेकर चल रहे हैं उस उद्देश्य की हमारी प्राप्ति हो। इसीलिए जो हमारे विषय वस्तु का चयन होता है वो हमारे शिक्षण का सबसे अहम और अभिन्न अंग होता है, क्योंकि उसी पर ही हमारा संपूर्ण कार्य निर्धारित होता है। क्योंकि कहते हैं ना, जब हम उद्देश्य निर्धारित करेंगे तभी तो हम कार्य करेंगे। अगर हमारे पास हमारे उद्देश्य नहीं होगा तो हम कैसे कार्य करेंगे। तो कहते हैं कि उद्देश्य शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए और शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए सबसे पहले हमारा विषय वस्तु होता है, क्योंकि कार्य होगा तभी हम कार्य
उद्देश्यों को पूरा करने की हमारे सामने जब तक हमारे उद्देश्य नहीं होंगे तो हम उसे प्राप्त करने की कोशिश नहीं करेंगे। सेकंड है, एस के दुबे जी ने कहा है कि जो पाठ्य वस्तु है, पाठ्य वस्तु शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए शिक्षा क्रम द्वारा निर्धारित वह व्यवस्था है जिसके द्वारा छात्रों में विभिन्न प्रकार की सृजनात्मकता, मानसिक शक्ति, अगर हम कहें कि इनकी आंतरिक शक्तियां, इन सभी क्रियाओं का क्या होता है, विकास होता है। यानी कि जब हम कार्य करते हैं उद्देश्यों के लिए तो हम उसमें हमारी मानसिक क्रियाएं भी करते हैं जी, हमारी योग्यता के अनुसार, हमारी क्षमता के अनुसार हम सृजनात्मक शक्तियों का भी प्रयोग करते हैं जिसमें हमारा कौशलात्मक चीज़ें आती हैं, हम कोई बोलने में कहते संपूर्ण उनकी जो दक्षता की क्रियाएँ हैं वो सारी इन क्रियाओं का समावेश होता है। उनके स्वयं की, उनके अंदर छुपी हुई उनकी आंतरिक क्रियाएँ भी इसमें समाहित होती हैं। तो कहते हैं कि इन सभी के द्वारा सृजनात्मक मानसिक शक्तियों का विकास होता है। अगर इसके लिए कहें तो हम छात्रों का क्या होता है, सर्वांगीण विकास, जो कि सभी तरीके से सर्वांगीण विकास पूरा चौमुखी उनका विकास होता है, ये सारी क्रियाएं ये करते हैं। अब आता है हमारी, जब हम पाठ्य वस्तु के चयन की विशेषता कि जब हम इनका चयन करते हैं तो इनकी जो चयन की हमारी विशेषताएं हैं वो विशेषताएं हमारी कौन कौन सी होती हैं, तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि जब हम विषय वस्तु का चयन करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा उद्देश्य निर्धारित होता है। अर्थात हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं। हमारे जो उद्देश्य होते हैं, कहते हैं कि हम हमारा जो विषय वस्तु हो बनाते हैं वो हम उद्देश्यों के आधार पर बनाते हैं, उन उद्देश्यों पर ही हमारा विषय वस्तु का चयन करते हैं, उसी से संबंधित हम हमारे विषय का चयन करते हैं। कहते हैं कि हम जो, हम ये कहें कि अगर हम हिंदी की, कहते हैं हम भाषा की विषय का ज्ञान लेना चाहते हैं, हम भाषा की विषय वस्तु का चयन करते हैं तो हमारा उद्देश्य होता है कि हमें उसे किस तरह से प्राप्त करना है। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम सबसे पहले कहेंगे या तो हम उसको सुनकर समझकर, या हम कहें कि भाषा है अगर उसमें कविता का पाठ है तो हम उसको कविता के द्वारा, हम कहें कि लिखने का है तो हम उसको लिखकर, तो ये चीज़ कहते हैं कि उद्देश्य निर्धारित करते हैं, उन उद्देश्यों के आधार पर हम कार्य करते हैं। अर्थात जैसा हमारा उद्देश्य होता है हम उसी तरीके से कार्य करते हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ जब हम विषय वस्तु का चयन करते हैं तो वो हमारे उद्देश्यों पर आधारित होता है। जैसा हमारा उद्देश्य होता है छात्र उसी आधार पर अपना कार्य करता है। सेकंड है हमारी योग्यता। कहते हैं कि जब हम ज्ञान ले रहे हैं तो ज्ञान किसके आधार पर लेते हैं, हम योग्यता के अनुसार, हमारी मानसिक, हमारी शारीरिक, जो भी हमारी मनोवैज्ञानिक, हमारी जो जो होती है हमारी शारीरिक क्रियाएं, उनके आधार पर कहते हैं कि जितनी छात्रों की श्रम की योग्यता होगी उसी आधार पर वो अपना ज्ञान प्राप्त करेगा। क्योंकि जितना, अगर हम कहते हैं कि अगर हम छात्र की मानसिक योग्यता से ज़्यादा अगर हम उसको ज्ञान देने की कोशिश करेंगे, समझाना चाहेंगे, तो वो ज्ञान वो पूरी तरह से ग्रहण नहीं करेगा। इसीलिए जब हम विषय वस्तु का चयन करते हैं तो हम छात्र की जो योग्यता है उस पर हम संपूर्ण हमारा फोकस होता है कि जिस स्तर पर, जिस मानसिक स्तर पर छात्र होता है, मानसिक स्तर के आधार पर हम उसे, उसकी योग्यता के आधार पर हम अपनी विषय वस्तु का चयन करते हैं, उस उद्देश्य का चयन करते हैं और फिर हम उस पर कार्य करते हैं। अर्थात सेकंड है हमारा इसकी मानसिक योग्यता के आधार पर, जिसे हम कहते हैं कि छात्र अपने उद्देश्यों का चुनाव, अपने उद्देश्यों का चुनाव, अपने विषय वस्तु का चुनाव किसके आधार पर करता है, अपनी योग्यता के आधार पर। थर्ड है हमारा संसाधन। कहते हैं कि जब हम विषय वस्तु का चयन करते हैं तो हमें संसाधनों के प्रयोग, यानी कि हमें किस तरीके से कार्य करना है, अगर हम ये कहें कि हम जो उद्देश्य, जिस विषय वस्तु का चयन कर रहे हैं, जिस विषय को पढ़ रहे हैं, तो हमें उन संसाधनों का प्रयोग करेंगे, तो हम ये कहेंगे कि अगर हमें विद्यार्थी को खेल के माध्यम से हमें पढ़ाना है, उसे खेल विधि से, तो हम उसके लिए खेल के मैदान की जरूरत होगी, तो हम
जरूरत को पूरा करेंगे। पहले हम वो संसाधन उपलब्ध करेंगे। अगर हम कहें कि सामूहिक रूप से हम पढ़ा रहे हैं तो हमें किसी हॉल की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात जिन जिन क्रियाओं के लिए हमें जो जो संसाधन काम में आएंगे उन संसाधनों को हम पहले वो संसाधन एकत्रित करेंगे कि हमें किस तरह से उन संसाधनों के माध्यम से हम उन उद्देश्यों की पूर्ति करवाएं। तो तीसरा है हमारा संसाधन, यानी कि हमें उन उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है जिसके माध्यम से हम विद्यार्थियों को पढ़ाना चाह रहे हैं। उनके अध्ययन के लिए जिन विधियों का प्रयोग कर रहे हैं और उन विधियों के लिए हमें जिन उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है, जिन संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है, उन संसाधनों को हम एकत्रित करते हैं। फिर है हमारा क्रियाशीलता का सिद्धांत। कहा जाता है कि क्रियाशीलता के बिना हमेशा विद्यार्थी का जो कार्य होता है, कहते हैं कि छात्र की उसमें सहभागिता नहीं होगी जब तक कि हमारा जो पाठ्यक्रम है, हमारा जो ज्ञान है, उसको क्रियाशील ना बनाए। क्योंकि अगर क्रियाशील हमारा विषय वस्तु नहीं है तो उसमें एक निरस्ता आ जाती है, अर्थात विद्यार्थी उसमें रुचि लेना जरूरी नहीं समझता, क्योंकि उसे ये नहीं पता रहता। अगर उसे क्रियाशीलता का हम ध्यान रखें जिसमें वो खुद भी एक्टिव रहे, इससे जो शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में जो अंतः परस्पर जो क्रियाएं होती हैं वो परस्पर क्रियाशील रहती है, क्योंकि उसमें विद्यार्थी भी उतना ही एक्टिव रहता है जितना कि शिक्षक। अगर इसमें कहें कि शिक्षक अगर विद्यार्थी को कुछ करने के लिए ना दे तो विद्यार्थी अपने उस ज्ञान में, अपने उस उद्देश्य में वो रुचि नहीं लेगा। इसीलिए विद्यार्थी की रुचि जागृत करने के लिए हमें क्रियाशीलता का ध्यान रखना होता है कि विद्यार्थी जितना उसमें एक्टिव रहे और स्वयं भी वो कार्य करे। इसीलिए जब हम उद्देश्य निर्धारित करते हैं, विषय वस्तु का चयन करते हैं, तो उसके लिए हमें ये ध्यान रखना है कि वो क्रियाशीलता पर भी आधारित होना चाहिए। फिर है हमारा रुचिपूर्ण, यानी कि जो हम विषय वस्तु बना रहे हैं उसमें हमारे जो विद्यार्थी हैं वो भी इंटरेस्ट लें, ऐसा हमें बनाना चाहिए। अगर विद्यार्थी उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो वो उद्देश्य है, क्योंकि ये जो कार्य कर रहे हैं वो कौन, स्टूडेंट खुद कर रहे। तो इसमें ये होता है कि जिस विषय का ज्ञान लेना चाह रहे हैं उस विषय में विद्यार्थी को भी इंटरेस्ट होना चाहिए और शिक्षक को भी इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर शिक्षक को इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो बच्चों को पूर्ण तरीके से नहीं समझा पाएंगे, और अगर विद्यार्थी इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो वो अपने विषय वस्तु को पूर्ण तरीके से ग्रहण नहीं कर पाएंगे। फिर है हमारा बाल केंद्रित, जो आज का हमारा ज्ञान है, हम कहें कि आज का जो हम पाठ्यक्रम या हमारे ज्ञान को देखते हुए चल रहे हैं, तो आज हमारा पाठ्यक्रम बाल केंद्रित है। तो हमारा जो पाठ्यक्रम जब बाल केंद्रित है तो हम जो ज्ञान दे रहे हैं तो वो ज्ञान भी हमारा कैसा होना चाहिए, बाल केंद्रित। कहते हैं बाल केंद्रित होना, हमारा जो विषय वस्तु का बाल केंद्रित होना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि विद्यार्थी के आधार पर बाल केंद्रित, यानी विद्यार्थी पर केंद्रित, यानी कि आज जो ज्ञान हम बनाएं वो किसको देखकर बनाएं, विद्यार्थी को। हम ये देखें कि उसी के स्तर पर जिसे वो समझ सके, उस वो उस पर फोकस कर सके, हम ऐसा ही हमारा विषय वस्तु का चयन करें। तो विषय वस्तु जब हम बनाएं तो उस विषय वस्तु को हमें बाल केंद्रित बनाना चाहिए। फिर है हमारा अधिगम सामग्री। कहते हैं जब हम बच्चों का अधिगम करवाते हैं, शिक्षण करवाते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, तो उसके अंदर हमें जो हमारे विभिन्न सामग्रियों का उपयोग है वो करना भी हम इसमें विषय वस्तु में सिखाते हैं, कि किस तरीके से हमें जो अधिगम में जो हमारी सारी सामग्री आती हैं, हम कहें हमारी पाठ्य वस्तु, हम कहें हमारे मॉडल प्रतिमान, या हम कहें हमारे लिए हमारा ब्लैक बोर्ड, यानी कि जिस समय जो शिक्षण करवा रहे हैं, जो विषय हम पढ़ा रहे हैं, उसके लिए हमें जिन जिन सामग्रियों का प्रयोग करना होता है शिक्षण में, जिस टॉपिक में हमारे जिन सामग्रियों का समावेश होता है, हम उन सामग्रियों का इसमें उपयोग करना, किस क्रम से करना है, ये क्रम हमें यहाँ निर्धारित होता है कि किस टाइम हमें किस सामग्री का प्रयोग करना है। फिर आता है हमारा सिद्धांत व्यवहार, यानी कि हमारा कैसा, कहते हैं कि हम जब हमारे शिक्षण बनाते हैं, सिद्धांत एवं व्यवहार का समन्वय, कि हम जो सिद्धांत बना रहे हैं और
समन्वय करना, यानी कि एक तरीके से हमें एक मिलाना। तो कहते हैं कि सिद्धांत हम बना रहे हैं, तो उन सिद्धांत को बनाते समय हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो सिद्धांत बना रहे हैं उसका समन्वय हम किस तरह से कर सकते हैं, उसे किस तरह से जो सिद्धांत हम कहते हैं शिक्षक बनाएगा, समन्वय करेंगे कि शिक्षार्थी जो हम पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को, वो उन सिद्धांतों को किस तरह से फॉलो करें, कि हम ये कहें कि विद्यार्थी अनुशासन में भी रहें और जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसको भी वो पूरी तरह से समझे। तो कहते हैं कि हमारा जो शिक्षण होता है, जो हम उद्देश्य बना रहे हैं, वो उद्देश्य हमारा जो विषय वस्तु का चयन हम कर रहे हैं वो सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। फिर है हमारा संबंध विषय। जब हम शिक्षण विषय का चयन करते हैं तो हम कई बार ऐसा होता है कि हम जो जो टॉपिक जो विषय ले रहे हैं छात्रों के लिए, वो विषय उनका दूसरे विषय से दूसरे टॉपिक से भी जुड़ा हुआ होता है। अब हम ये कहते हैं सिंपल तौर पर, इसका एग्जांपल हम लें कि बच्चे जब कहते हैं कि जब मौसम के बारे में पढ़ते हैं, अगर उन्हें सर्दी लग रही है, सर्दी के कपड़ों के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चे, तो सर्दी के कपड़ों से पहले वो मौसम के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि मौसम की जानकारी लेंगे। क्योंकि जब सर्दी ठंड के कपड़े हैं तो ठंड के कपड़े किसमें है, सर्दी किसमें है, हमारे मौसम में। तो वो मौसम का और हमारे कपड़ों का दोनों का संबंध इसमें बताएंगे। तो कहते हैं कि हमारे इस तरीके की विषय होनी चाहिए कि जिस विषय में एक दूसरे का आपस में संबंध होना चाहिए। जो विषय वस्तु हम चयन कर रहे हैं उस विषय वस्तु के अंदर, उस विषय जो विषय वस्तु चयन कर रहे हैं उसमें आपस में एक तरीके से संबंध होना चाहिए कि वो एक दूसरे से जुड़े। फिर आता है हमारा मूल्यांकन। कहते हैं जब हम विषय वस्तु बनाते हैं तो उस विषय वस्तु को बनाने में जो हमारा अंतिम निष्कर्ष निकलते हैं वो हमारा मूल्यांकन है, कि हमने किस तरह से पढ़ाया है, या हमारे उद्देश्यों में क्या कमी रही है, हमारा विषय वस्तु जो हम पढ़ाना चाह रहे हैं उस विषय वस्तु हमारा पूर्ण हो पाया है या नहीं। तो ये पूरी चीज़ें हमारी इस मूल्यांकन में आती हैं, यानी कि हमारा पूरा निष्कर्ष निकलता है जो हम हमारे विषय वस्तु का चयन करते हैं उस विषय वस्तु को हमने किस तरह से क्रमबद्ध किया है वो हमारा मूल्यांकन हमें बताता है। इस मूल्यांकन के माध्यम से हम कहते हैं कि हमारे विषय वस्तु का हमें एक फीडबैक मिलता है कि हमने जो कार्य किया है वो कार्य हमारा कितना महत्वपूर्ण रहा है, ये हमारा पूरा इस मूल्यांकन में आता है। इस मूल्यांकन के द्वारा हम छात्र का जो निष्कर्ष निकालते हैं, छात्र का निष्कर्ष निकालते हैं और शिक्षक का भी इसमें एक कहते हैं कि जब शिक्षक की पढ़ाने का जो तरीका है वो भी हमारे इस मूल्यांकन में आता है। कहते हैं ना कि जिस तरीके से विद्यार्थी, कई बार ये होता है कि जो हम शिक्षक जो ज्ञान बच्चों को देना चाहता है वो ज्ञान पूर्ण तरीके से विद्यार्थी ग्रहण नहीं कर पाता। अगर वो ग्रहण नहीं कर पाते तो उससे ये रहता है कि कहीं ना कहीं उनके ज्ञान में कमी रहती है, या हम कहें उन जो विषय वस्तु उन्होंने चयन किया है उस विषय वस्तु के चयन करने में उनके कहीं ना कहीं कुछ कमी रहती है। तो ये हमारा था कि जब भी हम, क्योंकि ये टॉपिक मैंने इसलिए आपको बताया था कि हम जब ज्ञान जो विषय वस्तु का चयन करते हैं तो हमें सबसे पहले इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही हमें हमारा कार्य करना चाहिए या हमें हमारे विषय वस्तु का चयन करना चाहिए। इसमें मैंने आपको बताया कि ये हमारे शिक्षण की सबसे प्रमुख क्रिया होती है। शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है वो बिना हमारे जो हम ये बनाते हैं विषय वस्तु के चयन के बिना अधूरी होती है, और इनको चयनित करने के लिए हमें विषय वस्तु को किस तरह का चयनित करना है, उनकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए, इनके बारे में हमें जानना सबसे ज़्यादा अनिवार्य होता है। इसलिए मैंने आपको परिभाषा बताई, इसकी दो परिभाषाएं मैंने आपको बताई थी, आरती शर्मा जी की और एस के दुबे जी की। इसके बाद में मैंने आपको विशेषताएं बताई, जो हमारी प्रथम थी वो थी हमारी उद्देश्य के आधार पर, सेकंड थी हमारी योग्यता के आधार पर, थर्ड थी हमारे संसाधनों के आधार पर, फोर्थ था हमारा क्रियाशीलता पर, पांचवा था हमारा रुचि का सिद्धांत, सिक्स्थ था हमारा बाल केंद्रित, सेवन्थ था हमारा अधिगम सामग्री, एट्थ था हमारा सिद्धांत व्यवहार में समन्वय व्यवहार जो हम आपस में सामंजस्य बताते हैं, फिर नाइन्थ था हमारा संबंध विषय जो हम एक दूसरे से कहते हैं कि संबंध स्थापित करना, फिर था हमारा मूल्यांकन। तो ये थी हमारी आज कहते हैं विषय वस्तु का चयन। आगे मैं आपको विषय वस्तु के बारे में ही आगे और अध्ययन
करवाऊंगी। धन्यवाद।